हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 8 टीवाईबी कॉम सेमेस्टर 5 एंड या 5F सेमेस्टर 1 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सीरीज चालू हुआ, लेबर कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सा आपका लेबर कॉस्टिंग का हैशटैग नंबर 8 एंड लेक्चर नंबर 8 काफी डिफरेंट सम पिक किया हूं। एंड अच्छा, सबसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इस टाइप्स के सम, अगर आ गया एग्जाम में तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा काफी बच्चों के लिए, इसीलिए इस टाइप्स के सम और ये सम स्पेशली थोड़ा ध्यान से देखना है। क्या दिया गया सर, क्या डिफरेंट है, ऐसा क्या डिफरेंट दिया है कि आप बोल रहे हो डिफरेंस है? मैंने बोला काफी डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। अभी तक आप रट के समझ के जैसा भी बैठे हो कि हेल्सियन रोवन की अगर मैं बात करूं, पीस रेट हटा दो, हेल्सियन रोवन में आपने रट के बैठा था। सर अगर हेल्सियन रोवन आया तो हम लोग तीन चीजें ढूंढेंगे, बाकी कुछ नहीं करने वाले क्या? एक तो हमारा टाइम टेकन, टाइम अलाउड एंड टाइम रेट बराबर है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे आप हर चीजें डायरेक्टली नहीं मिलने वाली, ढूंढना पड़ेगा अपने को। क्या देख लेते थोड़ा सा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर वर्कआउट द अर्निंग ऑफ ए वीक फॉर ए वर्कर अंडर डैश, मींस चार केसेस दिए गए, देखते हैं। पहले तो फिलहाल हम लोग हेल्सियन रोवन की बात करेंगे, उसके बाद पीस रेट पे जाएंगे। हेल्सियन रोवन की बात करने वाले, इसलिए ध्यान से देखना। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक दे के रखा है, इसका मतलब ध्यान रखना इस टाइप के सम प्रैक्टिस करा चुका हूं मैं कि जिसमें इस तरीके से दिया रहेगा, इसका मतलब ये आपका ना टाइम टेकन है। अगर ऐसे दे के रखा तो याद रखना ये चीज आपकी टाइम टेकन है। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। वेजेस रेट भी दिया तो क्या प्रॉब्लम है सर, दो इन्फॉर्मेशन तो यही दे गई, अगली इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। मतलब क्या मिसिंग है सर, मतलब आपको टाइम टेकन दिया है, बिल्कुल दिया है सर, रेट दिया है, मैंने बोला बिल्कुल दिया, टाइम अलाउड मिसिंग है, मींस स्टैंडर्ड टाइम आपका मिसिंग दिख रहा है यहाँ पे। बट उसके लिए कुछ तो हिंट दिया है उन्होंने, बहुत बड़ी हिंट दिया है जो कि यहां से दिखेगा आपको केसेस में, बिल्कुल। चलिए देखते क्या बोल रहे हैं सर। नॉर्मल टाइम पर पीस 20 मिनट्स, मतलब बोल रहे एक यूनिट एक ये मार्कर बनाने का है तो बोल रहे 20 मिनट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। नॉर्मल आउटपुट पर भी 120 पीसेस दे के रखा है, मतलब ये बोल रहे स्टैंडर्ड पीस दिया भाई, 120 पीस ये स्टैंडर्ड पीस दे दिया, 120 पीस बनाना है आपको, कम नहीं ज्यादा नहीं, कम नहीं ज्यादा नहीं, मीन्स बना सकते हो, ऐसा नहीं 120 ही बनाना है बोल रहे। बट एक्चुअल आउटपुट क्या रखे रखे 150 पीसेस, बट सामने वाले वर्कर ने 150 बनाए, मतलब जब पीस रेट करेंगे तो ध्यान रखना 120 टारगेट है आपका, स्टैंडर्ड है, बट सामने वाले वर्कर ने 150 प्रोडक्शन किया है, तो इसी का हेल्प लेके टाइम अलाउड निकालेंगे, सॉरी टाइम अलाउड मीन्स स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे। सर कैसे कैसे कैसे, तो मैंने बोला यहाँ पे देखो आप वर्किंग नोट 1 कैसे, थोड़ा ध्यान से समझते, कैसे थोड़ा सा ध्यान से समझते, एक केस नंबर 1 बनेगा आपका, केस ए एंड केस बी दोनों का रीजन समझेंगे सर, दो केस कैसे बन सकता है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ्स बेसिक कैलकुलेशन आने वाली है, थोड़ा ध्यान दिमाग दौड़ाएंगे यहाँ पे सर। पहले बात करते हो पर पीस कितने मिनट लगेगा, तो मैंने बोला एक पीस बनाने के लिए, पीस मतलब मैं बोलूंगा एक यूनिट बनाने के लिए मुझे लगते हैं 20 मिनट, मतलब एक मार्कर बनाने के लिए मैंने बोला 20 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है, तो मैंने बोला मिनट नहीं चाहिए मेरे को भाई, मेरे को चाहिए घंटे, मतलब एक घंटा 20 मिनट, मतलब हो गया सर 60 मिनट, 60 मिनट मतलब हो गया सर एक घंटे में कितना यूनिट बनेगा, तो मैंने बोला 3 यूनिट, और बच्चे लोग ने भी बोला 3 यूनिट बनेगा, ये तो कॉमन सा है भाई, 20 20 20, तो हो गया 60, मतलब 3 यूनिट का प्रोडक्शन आप कितने टाइम में कर रहे हो सर, एक घंटे में कर रहा हूं, तो मैंने बनाया कितना यूनिट है सर, मैंने बोला 150 यूनिट्स बनाने के लिए कितना घंटा लगेगा, कर लोगे क्या? ये तो इजी था सर, इसमें तो कुछ करना नहीं, आपने बोला था क्रॉस कर दो, नहीं बोला था तो हमको पता है क्रॉस होता है ऐसी चीज़ें भाई, 3 यूनिट बनाने के लिए एक घंटा, तो 150 यूनिट बनाने के लिए कितना, तो मैंने बोला 150 मल्टीप्लाई क्रॉस करूंगा 1 डिवाइड बाई कर दूंगा 3, तो आएगा मेरा 50 आवर्स, मतलब ये क्या आया सर, ये आया मेरा स्टैंडर्ड टाइम आया, आया बिल्कुल आया, आया आया बिल्कुल आया, क्लियर? हाँ सर क्लियर है, बट मैथ्स थोड़ी सी तेज है, मैथ्स थोड़ा सा अच्छा है, तो मैं ये 50 आवर्स की जगह कुछ और लिख सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ और सही भी दिखा सकता हूँ, वो मेथड भी मेरा गलत नहीं है, सही है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया सर। एक भी भले बी तो समझाइए कैसे करने वाले हो आप, तो मैंने बोला थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या बोला जा रहा है।
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, दौड़ाएंगे दिमाग कैसे करने वाले हैं। मैंने बोला यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो इधर कैसे सर। मैंने बोला टाइम अलाउड है आपको कितने घंटे, आपने बोला सर 48 घंटे का टाइम मिल रहा है, और 48 घंटे में जो मैंने टारगेट आपको दिया है, टारगेट दिया सर 120 यूनिट्स, मतलब 120 यूनिट बनाना है, और मैंने बता दिया 150 यूनिट, तो उसके लिए कितने घंटे लगेंगे ध्यान से देख लो समझ लो। मैंने जो टाइम टेकन बोला था भाई, आपको काम करने का समय दिया था, वो बोला था 48 घंटे काम करना है भाई, 48 घंटे में पीस बनानी 120, मतलब 120 यूनिट बनाना है, मैंने बना डाला मींस बनाया 150 यूनिट्स, उसके लिए कितने घंटे चाहिए, तो मैंने बोला करूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकता हूं सर, 48 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 150 डिवाइड बाई कर दूंगा, 120 जीरो कैंसिल, 60 आवर्स। पहला ऐसा सम है कि दो स्टैंडर्ड टाइम लेके चल रहा है भाई, दो स्टैंडर्ड टाइम लेके चला, ये भी तो स्टैंडर्ड टाइम है सर, कौन सा सही कौन सा गलत, कौन सा सही कौन सा गलत। तो मैंने बोला एग्जाम में आपको दोनों कर देना है, दोनों कर देना है, पता चला आपने 60 वाला किया आंसर 50 वाला दिया, 50 वाला दिया तो 60 वाला दिया, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए मैं क्या करूंगा भाई ए एंड बी दोनों लेके चलूंगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम था, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं था स्टैंडर्ड में। एक तो मैंने वन पीस को लेके किया, मेरा स्टैंडर्ड अलग दिख रहा है, और सेकंड मैंने उन्होंने जो रेट मींस सॉरी रेट बोल रहा हूं मैं, जो टाइम टेकन दिया था उसके बेस पे किया, तो उसमें अलग आ रहा है, तो सर कुछ अलग आ रहा है तो कुछ अलग आएगा क्या? अब तो अलग नहीं है, मींस आपको स्टैंडर्ड टाइम निकाल के दिया, टाइम टेकन दिया या रेट दिया है, मींस अब आप ये दो कॉन्सेप्ट कर सकते हो क्या? तो कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इसलिए मैं करके दिखा। तो भाई सी के दो केस होंगे, मतलब दो केस क्यों होंगे सर? क्योंकि स्टैंडर्ड दोनों का अलग है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं सर, क्या है कौन सा प्लान है? हेल्थ से प्रीमियम प्लान बोल रहा है, हेल्थ से प्रीमियम प्लान। फॉर्मूला याद है क्या? फॉर्मूला याद है बच्चे आप लोग को? याद है क्या? कुछ बच्चे बोलेंगे याद है, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम चल रही है अभी तक याद नहीं कर पाए हैं। तो मैंने बोला टाइम वेजेस है प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड है, बिल्कुल सर यही है। और मैंने बोला मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट से, रेट दो बार फॉर्मूला लिखूँ क्या? नहीं, दो बार इतनी मेहनत मत करो, दो बार लिख के क्या करने वाले हो, दो बार नंबर थोड़ी मिलने वाला है। फॉर्मूला एक बार, टाइम वेजेस कैसे मिलेगा सर? आपने बोला टाइम सॉरी प्लस 50% ऑफ टाइम सेव, टाइम सेव कितना? अगर मैं ये 50 मान के चलता हूं तो 50 माइनस 48 करूंगा, मतलब ये कि स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम बराबर सर मल्टीप्लाई रेट ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। अब सिर्फ क्या चेंज होगा ध्यान रखना, टाइम टेकन मेरा यही रहेगा 48, मल्टीप्लाई रेट क्या सर 3.75, बिल्कुल है, प्लस स्टैंडर्ड टाइम। अब यहाँ पे क्या सर मेरा 50 है, माइनस एक्चुअल टाइम यहाँ पे कितना सर 48 है, मल्टीप्लाई रेट क्या है 3.75, क्लियर सर 48 मल्टीप्लाई 3.75 कैलसी उठा लो आप 180, प्लस 50 माइनस 48 किया तो 12 आ गया, मतलब मल्टीप्लाई 3.75 किया तो 180 प्लस मल्टीप्लाई कर लो कितना आया सर, कितना आया 3.75, नहीं नहीं 3.75 नहीं आएगा, 21 का चेंज यहाँ पे मिस्टेक जो लिख देता हूँ बार बार मैं 50% लिखना भूल जाता हूँ मैं, 50% आप करना यहाँ पे तो आपका 6 हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, कैलसी आपका है यहाँ पे आंसर थोड़ा सा मिसप्रिंट दिख रहा है इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ देखो आप सी को दूसरा, तो दूसरे टाइम जब आप करोगे क्या चेंज करोगे सर? यहाँ पे जो आपका 50 है ना वही चेंज कर दो, वहाँ 60 कर दो, बाकी कुछ मत चेंज करो, मतलब सर 48 मल्टीप्लाई 3.75 ये तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, प्लस ये जो 50% आप निकालोगे
वो किसका सर 60 माइनस 48 का निकालोगे। और यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, 48 है, मैंने 6 कैसे लिया, फिर ये आ जाएगा आपका 2, 2 का 50 आ जाएगा 1, तो बराबर है, राइट आंसर आ रहा था 3.75, प्लस किया तो 180 प्लस 3.75 आपका आया 183.75। 50% थोड़ा सा याद रखना, नहीं तो मेरे जैसे मिस्टेक्स हो जाएगी, बार बार मिस्टेक कर देता हूँ मैं। मल्टीप्लाई रेट आपका 3.75 आएगा, बिल्कुल सर। तो ये तो आपका आया था मल्टीप्लाई पे 180, बिल्कुल सर, प्लस 50% ये 48, अब आएगा 6 मल्टीप्लाई 3.75 आप करो तो कितना आया आंसर 22.5। तो फाइनल जो आंसर आएगा 202.5, बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल है। मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो मेरा कॉन्सेप्ट था, करा के देना। हेल्थ से प्रीमियम प्लान क्या बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। रोवन प्लान में भी वैल्यू पुट अप कर लोगे क्या? हाँ सर कर लेंगे रोवन प्लान में। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये दोनों था कि दो केस यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे, वो मैंने करके आपको दिखा दिया। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। रोवन प्लान करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में ऐड करना है आप लोग को रोवन प्लान करके। अब आपको समझ गया, दो बार करना है, एक तो वन टाइम आपको क्या करना है 50 लेना है टाइम अलाउड, एंड सेकंड हमारा 60 लेना है, दो टाइम जैसे इसमें क्या वैसा उसमें भी दो टाइम करना है और आंसर लेके आना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं आपके ये पीस रेट जो दे के रखा उसके बारे में बात। पीस रेट सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जानेंगे दो तरीके का पीस रेट आपको दिखेगा, एक तो आपको स्टेट पीस रेट सिस्टम दिखेगा, सेकेंड आपको डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम दिखेगा। मतलब फर्स्ट में जब हम लोग बात करते हैं स्टेट पीस रेट सिस्टम में, मतलब सिंपल सा बोलते भाई जितना आपने पीस बनाया है उसका आप रेट लेके चले जाओ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, कुछ कम नहीं मिलने वाला है। बट डिफरेंशियल पीस सिस्टम में कंडीशन देते हैं, जैसा उन्होंने एक टारगेट दिया भाई टारगेट से कम बनाओगे तो आपको रेट कम मिलेगा, टारगेट से ज्यादा बनाओगे तो आपको रेट ज्यादा मिलने वाला है। मतलब सिंपल सा यहाँ पे क्या कर देना है कि आपको पहले तो रेट फाइंड आउट कर लो, बाकी और कुछ नहीं करना है। कि सर अपने इसमें तो सिंपल बनेगा, ध्यान से देख लो, 150 का प्रोडक्शन किया तो उसमें मिल जाएगा, और यहाँ पे भी 150 का प्रोडक्शन किया है तो वहाँ पे मिलेगा। मतलब दोनों में कॉमन है, जितना का एक्चुअल प्रोडक्शन किया उतने पे तो मिलने वाला ही है। बट आप सिंपल है एक चीज़ फाइंड आउट कर लो भाई, पर पीस पे कितना मिलने वाला, पर पीस का रेट निकाल लो, आंसर हो गया। सर पर पीस कैसे निकलेगा? तो मैंने बोला ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पीस बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो आपने बोला 20 मिनट्स, बराबर। इसमें भी ध्यान रखना दो रेट निकल के आ जाएगा अगर आप अलग अलग मेथड यूज करोगे तो दोनों मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मेथड से कर दो कोई भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड आपका गलत नहीं है। एक पीस पे मैंने बोला 20 मिनट से बिल्कुल है, तो मैंने बोला तीन पीस बनाने के लिए कितना टाइम लोगे आप, तो आपने बोला 1 घंटे लेने वाले, बराबर है, हाँ सर। 1 घंटे की पेमेंट आपका कितना है 3.75, मैंने बोला 1 घंटे का पेमेंट आपका कितना है, तो आपने बोला 3.75 है। ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो भाई, 1 घंटे का पेमेंट 3.75, 1 घंटे में मैं पीस कितना बना रहा हूँ सर, तीन पीस बना रहे हो, तो मतलब मैं बोलूँगा भाई तीन पीस का मुझे मिल रहा है 3.75, बराबर। तो मैंने बोला एक पीस का कितना, तो आपने बोला डिवाइड करो, तो आएगा 1.25, यही तो रेट आएगा। गलत है क्या ये रूल? मैंने बोला गलत नहीं है। देखो यहाँ पे दो रूल, और इसमें आपका जो टेक्स्ट बुक, अगर जो टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे, पेज नंबर TY BCOM का मैंने बुक लिया, पेज नंबर 163 का रूल लिया है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखना, एक तो ये रेट आएगा 1.25, उन्होंने 1.25 का रूल नहीं लगाया, और ये मैं बोलता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ये रूल करेगा, मतलब 1.25 का रेट लेके करेगा, तो भी गलत नहीं होने वाला है, दोनों कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने उसमें सिखाया आपको हेल्थ से रोवन प्लान को लेकर सिखाया, वैसे ही कर सकते हो। दूसरा रेट कैसे आएगा ये देखो, ये तो आपका 1.25 रेट आ गया, जैसा सिंपल सा जो आपका दिया था उसी के बेस पे मैंने कैलकुलेशन किया भाई। एक पीस 20 मिनट में देख के रखा था, तो 1 घंटे में कितना, तीन पीस सर, 1 घंटे का हमको पता है, तो एक पीस का निकाल सकता हूं डिवाइड करके, बिल्कुल सर। बट उन्होंने बोला कि भाई मैं ऐसा नहीं है, दूसरा मेथड लगा रहा हूं, कौन सा देखो इधर आप, मैंने बोला टाइम आप देख के रखे हो 48 घंटे का, बराबर है सर। इसमें मैंने टारगेट देख के रखा है 120 किसका, पीस का, बराबर है सर। उन्होंने ऐसा बोला भाई टाइम कितना देख के रखा है 48, और पीस कितना बनाने का है 120, तो पर आवर की रेट क्या है सर, कितना 3.75, यही रेट है,
सर हाँ बिल्कुल यही रेट है, तो इसी को बस क्रॉस किया भाई। एक घंटे का जब 3.75 है तो 48 घंटे का कितना, और 48 घंटे में 120 पीसेस बना रहे, 120 पीसेस बना रहे, तो इसका सीधा सीधा क्रॉस कर दिया उन्होंने, 48 मल्टीप्लाई 3.75 डिवाइड बाय 120, तो कैल्सी पे लोगे तो आपको जो रेट आएगा 1.5 आएगा। दोनों में रेट में डिफरेंस दिखेगा, इस तरीके से देखोगे तो 1.25 आएगा, और अगर मैं दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई लेके चलता हूं तो 1.5 आएगा। दोनों में से दोनों करना, दोनों कर दो, कोई भी एक करना एक करो। तो आपके जो टेक्स्ट बुक में किया गया ये वाला रूल किया गया, तो मैंने बोला ये ध्यान रखना, ये स्टूडेंट अगर कोई करेगा तो आंसर उसका रॉन्ग नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके दो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। तो इसका रेट सिंपल बोलता है 150, तो रेट क्या है मैं बोलूंगा 1.5। अगर मैं पहला केस करता हूं तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा 225, ठीक है, ये मेरा पहला केस है अगर मैं पहला करता हूं। दूसरा करना तो ये भी यहाँ पे कर देना 150 मल्टीप्लाई 1.25 और जो आएगा यहाँ पे आंसर लिख देना। क्लियर? हाँ सर समझ आए। ये क्या बोले थोड़ा सा ध्यान रखना, रेट क्या है मेरा 1.5, अगर मैं पहला 1.5 का रेट ले रहा हूँ तो, और अगर मैं दूसरा भी ले रहा हूँ तो भी यहीं पे करके दिखा देता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे। अब ध्यान रखना इस पे, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का कंडीशन देता है, यहाँ पे कंडीशन देकर रखा 80% ऑफ द पीस रेट व्हेन आउटपुट इज बिलो, बोला अगर जितना टारगेट है उससे कम बनाओगे तो 80% रेट मिलेगा, बट अगर ज्यादा बनाओगे तो 120 मिलेगा। तो मैंने बोला 120% मिलने वाला है, तो मैंने बोला ज्यादा बनाए कि कम बनाए, ज्यादा बनाए कि कम, तो देख के ही तो लग रहा है भाई, देख के ही तो लग रहा है कि 150 ज्यादा बनाया है, ज्यादा बनाए तो रेट में डिफरेंस दिखेगा, 120% दिखेगा। मतलब आपको कैल्सी उठाओ और रेट इनका बढ़ा दो, रेट बढ़ा दो, 120% मिलने वाला है, तो 120% दबा दो, अदरवाइज 100, 120% अपॉन में 100, तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा, कैल्सी आप लोग के पास है, आप लोग देख लेना, 270 आ रहा है, और इसका आंसर आप लोग को निकालना है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक पे नहीं है, तो आप लोग को निकालना है मल्टीप्लाई करके, मतलब सिंपल सा लॉजिक लगाना है भाई, सिंपल सा देख लो, स्टैंडर्ड से ज्यादा दिया है तो 180 का रूल है तो 120% मिलेगा, तो 120% ले लेना है, और अगर कम होता तो 80%, मतलब 80% आपके कैल्सी पे परसेंट है तो परसेंट दबा देना या डिवाइड बाय 100 कर देना, तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये सब इसीलिए मैंने बोला काफी डिफरेंट है, क्योंकि एक ही टॉपिक में हेल्थ से प्रीमियम का भी अलग केस दिया था, एंड दो पहले ऐसे समय थे जिसमें दो रेट अलग अलग आ रहे थे, दो रेट मींस आपका दो टाइम अलाउड आ रहा था, स्टैंडर्ड टाइम आ रहा था, और जब मैंने पीस रेट किया तो पीस रेट में भी देखो तो दो पीस रेट आपको मिल रहा है, एक तो 1.25 का मिल रहा है, एक 1.5 का मिल रहा है, और ऐसे सब अगर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए अच्छे से इस टाइप के सब ये सब प्रैक्टिस करके आप लोग जाओ एग्जाम से पहले। तो चलिए बात करेंगे अगले टॉपिक्स में, इसी का मीन्स #9 का लेक्चर आपको मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना, और अगर किसी बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन रह गया होगा कि सर कोई कॉन्सेप्ट हमारा नहीं समझा तो भी ऐड कर देना आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।